या आई थिंक वो आ गया मेरी इन्वेंटरी में लेट मी सी पाल पार्टी में पाल देख फ्लडर नाम का कैसे कोई पोकेमोन बट भाई कहाँ पे है हेलो डेफिनेटली इसके अंदर होगा ओ ये रहा गाइस लेट्स गो तो गेमस ये है फ्लडर ये वैसे करता क्या है ये और डिटेक्टर है और सैंड ब्लास्ट करता है एक सेकंड गाइस इसको ना मैं बुलाता हूँ इसको ना मैं इसके जगह पे लो ठीक की जगह पे बुलाते हैं भाई साहब आ जाए मेरी फ्लडर Guys, ये हमारा पहला बच्चा है इसको हमने का जेडम दिया है तो बेसिकली ये क्राफ्टिंग भी करता है और ओवरटेक और करता है तो ये रॉक एक क्या अंदर से आई थिंक मतलब अलग अलग में भी पोकेमाउस निकलते हो गया भाई देखो ये करने क्या जा रहा है पता नहीं क्या करने जा रहा है मैं भी यहाँ पे कुछ क्राफ्टिंग करने के लिए जा रहा है ओ यहाँ पे मैंने लास्ट एरोज बनाने के लिए बोला था लगभग वन थर्टी टू so so उस अंडे के में से ये निकला है पोकेमोन बहुत बढ़िया भाई तो भी यहाँ पे काम करता जा एंड गाइज आपको याद होगा हमने लास्ट एपिसोड में इस विक्सी को टीम करा था एंड देखो इसने यहाँ पे कितने सारे पाल्सपेयर को भाई खोद के निकाला है ट्वेंटी गोल्ड कॉइन्स एक एरो और थर्टीन पाल्स तो भाई मुझे खुद से पाल्स बनाने की जरूरत नहीं है ये फ्लडर बाहर कैसे आ गया अभी गाइज यहाँ पे ये पेनली हमको तोड़ रहा है एंड एफ टू डिटेक्ट ओवर मैं इसकी यहाँ पे पावर एक सेकेंड कहाँ पे एफ टू डिटेक्ट ना इसको दबा के रखने से पता चलेगा और कहाँ पे है वाह ये क्या हुआ भाई आई थिंक इसकी रेंज है ये मतलब हमारी रेंज में कहाँ कहाँ पे ओवर है इसको डिटेक्ट होगा सेवेंटी फाइव मीटर्स में इस तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको ओवर मिलेगा ओके गाई सो अभी जो फ्लडर था ना उसने उसका पावर यूज़ करा और उस पावर की मदद से अभी हमको पता चल रहा है और कहाँ कहाँ एंड ये देखो उसकी पावर वापस आ गई तो मैं एक और बार यूज़ कर लेता हूँ एफ टू तो डिटेक्ट ओवर अभी देखा इसकी रेडियस वापस बढ़ गई इसके सेंस के हिसाब से ये हमको बताएगा कहाँ कहां पे और है तो अभी इस तरफ जाऊंगा तो 87 मीटर दूर है है इस तरफ 27 ये 27 ये रहा इधर ही सो so भाई ये बहुत बढ़िया चीज है अपना फ्लडर हमको ना बताएगा और कहाँ कहा पे है एंड अभी अभी उसी के के साथ साथ अभी ना मेरे को आज एपिसोड में उठने वाला जो अपने पास था ना यार मॉन मुझे उसका सैडल बनाने का है तो उसका सैडल कौन से लेवल पे अनलॉक होता है एक बार मैं देख लेता हूँ यही पे कहीं पे था उसका लेवल और ये वाला साइडल मेरे को लेवल फिफ्टीन पे मिलेगा बट यार मेरा लेवल अब क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा एक बार मैं देख लेता हूँ अभी हमारे करंट मिशन क्या है बिल्ड अ क्रशर ओके okay गाइस तो अभी हमारा जो करंट मिशन है ना वो अभी तक मैंने कंप्लीट करा नहीं है आई थिंक दैट हमारा लेवल अप नहीं हो रहा तो अभी मुझे गाइस एक क्रशर बिल करना है उसके लिए क्या क्या चाहिए ओके okay, मैं बिल कर सकता हूँ so, सो गाइस ये क्रशर कहाँ पे बिल करें मुझे पता नहीं इससे होता क्या है तो इसको बिल करने के लिए यार बढ़िया सी जगह चाहिए अपने घर के अंदर तो यार अभी ना बिल्कुल भी जगह नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा है, है बिल्ड दिस इसको ना यार घर के बाहर ही बनाते हैं

बट यार ये पाल सोल किससे बनेगा पाल सोल के लिए मुझे मीडियम पाल सोल चाहिए आई डोंट नो इससे बनता क्या बट यार बढ़िया चीज़ लग रही है तो ठीक है गाइज मैंने क्रशर भी बना दिया और अभी मैं अपने पाल बॉस को अपग्रेड कर सकता हूँ गाइज गाइज लेट्स गो लेट्स गो करंट मिशन कंप्लीट हो गया ना दैट्स से अभी अपना पाल अपग्रेड हो जाएगा बेस एंड इसकी मदद से अभी हम लोग एक और पाल को यहाँ पे रख सकते हैं तो अभी मैं मैक्मम आई थिंक सात पाल रखवा सकता हूँ सो लेट्स गो इसको मैंने अपग्रेड कर दिया बना बेस लेवल सेवन पे चला गया ओ भाई साहब एंड ओके अब एक और बार अपग्रेड लेवल एट पे चला गया लेट्स गो पास को बिना बहुत सही होगा एक सेकंड काम करते हैं बिना काइस जो बंदे काम करते हैं ना मैं उनको रखूंगा जैसे कि अपना फ्लडर है काफी मेहनती है उसको यहाँ पे बुलाते हैं एंड मंकी जो है ना मैं एक और मंकी को यहाँ पे बुलाने की सोच रहा हूँ क्योंकि भाई ये भी काफी मेहनत होती है बट ये वाला जो अपना फुआक है ना इसका अभी तक मैंने देखा ना ये करता क्या इसको हमने लास्ट एपिसोड में पकड़ा था तो इसको यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं आ जाए भाई फुआक तो करेगा क्या वाटरिंग अरे अरे सारे पोकेमोन्स पानी देते देखो यहाँ पे अपनी दादी भी पानी दे रही है और ये भी फुआक भी पानी दे रहा है वेट करो भाई मुझे बहुत भूख लगी है सबसे पहले थोड़ा सा मैं खाना खा लूँ ओके खाई खाना वगैरह मैंने खा लिया है मैंने भाई अपने यार वेपन्स ना काफ़ी डैमेज हो गए तो मैं सोच रहा हूँ भाई सबसे पहले वेपन्स को रिपेयर किया जाए और फिर उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ा सा एडवेंचर पे क्योंकि आज के एपिसोड में मुझे यार थोड़ा सा ना डिस्कवरीज़ करनी है और कौन से कौन से नए नए पोकेमॉन्स है आज हम उनको ढूंढेंगे और उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फायर वो अपनी रिपेयर हो गई ये भी रिपेयर हो गया और अपना आर्मर रिपेयर करते हैं और शील्ड तो अपने पास अच्छी खासी है तो मेरे आर्मर वगैरह रिपेयर रेप, कर लिया है और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम इंगट भी बनाए थे तो इन इंगट को यहाँ पे मैं कलेक्ट करके स्टोर कर देता हूँ भाई क्या पता है इसकी बाद में जरूरत आ जाए तो अभी मेरे पास लगभग ट्वेंटी वन इंगट्स हैं एंड यहाँ, यहाँ पे ये मेगा पल्स मैं अपने पास ही रखता हूँ एंड गैस लास्ट एपिसोड में ना मुझे ये एंसेंट सिविलाइजेशन पार्ट भी मिला था इससे मैं कुछ बना सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे इसको ना संभाल के रखना चाहिए जो गेमस हमारे पास मंकी वाला पैल है ना मैं उसको एज असॉल्ट राइफल की तरह यूज कर सकता हूँ तो भाई इसको मैं ना अनलॉक करता हूँ गई ठीक है ओके okay, इसको मैंने अनलॉक कर लिया एंड uh, मेरे को क्रॉस बो को भी अनलॉक करना है आज के एपिसोड में बना रहते ठीक है थीके? तो एक क्रॉस बो को भी अनलॉक करते तो मैंने uh, ये ये असॉल्ट राइफल और ये क्रॉस बो अनलॉक कर ली और उसी के साथ साथ यहाँ पे भाई चिलेट का भी सैडल है भाई मेरे को चाहिए गाइज मैं बना दू इसके लिए दो कैसे कितने दो पॉइंट चाहिए ओके ठीक है ग्यारह पॉइंट है सो गाइज अभी मैं ना चिलेट को राइड भाई मुझे तो ये देखा ही नहीं था सबसे पहले गाइज चिलेट का सैडल बनाते हैं तो चिलेट का सैडल बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा क्लोथ चाहिए बना देते हैं भाई ओके पाँच क्लोथ आई थिंक पाँच इनफ रहेगा जल्दी से भाई क्लोथ बना देते हैं मेरे को चिलेट को राइड करना है ये हमारे गाइज यहाँ पे क्लोथ बन चुके हैं एंड अभी हम लोग चिलेट का सैडल बना सकते हैं कहाँ का सैडल यहाँ से बनेगा ना लेट्स गो गाइज चिलेट चिलेट ये रहा चिलेट और इसका सैडल सो गाइज लेट्स गो अभी मैं यहाँ पे चिलट का साइडल बनाना शुरू कर देता हूँ बट यार मेरे को ना एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है इस गेम में पता नहीं सैडल बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है मुझे लगता है ना मुझे और भी थोड़ा सा मैक्सिमम लेवल का वर्क बेंच बनाना पड़ेगा तो और अभी हमारी यहाँ पे मदद भाई कोई भी नहीं कर रहा यार प्लीज नल्लो लो मेरी आँखें एटलीस्ट मदद तो कर दो भाई ये सैडल बनाने में दुनिया भर का टाइम लग रहा है डे ड्रीम आ गया गाइज फाइनली मेरे यहाँ पे मदद करने के लिए तो एक काम कर डे ड्रीम टू यहाँ पे इसको बनाता रहा है मेरे को वो फ्लैग ये बनानी है बो बनानी है मेरे को क्रॉस बो बनानी तो क्रॉस बो के लिए हमको स्टोन चाहिए और नेल्स चाहिए बहुत सारे और नेल्स कितने ओके नेल्स कितने चाहिए एक्चुअल में पाँच चाहिए तो कैसे मैं यहाँ से नेल्स बना लेता हूँ ठीक है ये हमारी गाइड्स पाँच नेल्स बन चुके हैं इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी आई थिंक अपना बन जाएगा इसको कैंसिल करते भाई बस बस इतना ही बनाना था मेरे को एंड अभी हम लोग बनाएंगे अपना क्रॉस बो अभी स्टोन चाहिए अरे स्टोन नहीं है मेरे पास गाइस वेट करो आई थिंक किसी ने ना तोड़ के रखा होगा स्टोन हाँ भाई यहाँ पे दुनिया भर का स्टोन तोड़ के रखा हुआ है ऑलरेडी इसको कलेक्ट करते हैं ये आ गया स्टोन 33 स्टोन मिल गया मेरे को भाई अपने पैल्स बहुत बढ़िया काम करते रहते हैं और अभी मैं स्टोन को यहाँ पे यूज करता हूँ एंड अपना क्रॉस बो बनाते हैं वेट इसका पावर क्या है आई थिंक ना क्रॉस बो मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा डैमेज देगी तो इसका इसमें प्रोडक्शन शुरू कर देता हूँ कितना टाइम लगेगा क्रॉस बो बनाने में भाई ये मैक्सिमम लेवल के वेपन्स बनाने में और आर्मर्स बनाने में दुनिया भर का टाइम लगता है बट अभी अपना जो फ्लडर है वहाँ पे वो अपनी आर्मर बना रहे एंड मेरी ये जो दूसरी है ना डे ड्रीम यहाँ पे मदद कर रही है अरे फ्लडर चला भाई यार तू इतने से, थके से जाता है यार उसको कंप्लीट कर दो यार जल्दी से ये हमारा गेम यहाँ पे बन चुका है क्रॉस बो इसको एक्वायर करता है एंड लेट मी सी ये कैसा है तो यार क्रॉस बो इसका डैमेज ओके okay, 280 सौ अस्सी अटैक है इसका एंड अपना जो नॉर्मल बो है इसका ओनली चालीस है भाई साहब गाइस 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 ये कभी भी तो एक काम करते गाइस बुक को डिस्कार्ड डिस्कार्ड नहीं करते इसको मैं रखूंगा अगर बाद में जरूरत पड़ी तो तो एक काम करते गा इस बुक को ना यहाँ पे मैं संभाल के रख देता हूँ यार अभी अपने पास ना चेस के अंदर सामान ही नहीं है रखने के लिए तभी मैं सोचू अपने पास मतलब वहाँ पे जो स्टोन वगैरह तोड़ के रखा है उसको वो उठा के यहाँ पे क्यों नहीं रखवा रहे वही गाइस काम करते हैं मैं ना गाइस यहाँ पे एक और ये चेस बना देता हूँ ठीक है यहाँ पे ताकि ये लोग ना इसके अंदर आके सामान रख सके तो यहाँ पे भाई चेस बनाने में मदद करो चलो जल्दी आई थिंक बाहर से ये लोग मदद कर देंगे मन दादी ओके दादी तो बाल से मदद कर रही है ओके okay, बन गया एंड अब इसके अंदर गाइज मैं ये वाली बो रखवा देता हूँ ठीक है इसका बाद में यूज आएगा और ये पैल्सोल भी रखवा देता हूँ मैं एंड मेरे को ये पेल्ट मिला था किसी के बाल मिले मेरे को तो ये भी मैं रखवा देता हूँ ठीक है वेट मैं इसको मर्चेंट को बेच सकता हूँ जो की हाई रेट में ज्यादा देखा कैन बी सोल्ड टू मर्चेंट एट हायर प्राइस ओके okay, तो ये सारी चीज़ें भाई महंगी बिकती है मेरे पास ना एक कॉपर की भी है ये की वैसे चेस के अंदर यूज होती है बट ठीक है यहाँ पे अपना सैडल ऑलमोस्ट बनने वाला है तो काम करते हैं सैडल भी बनाई देते हैं सैडल भी गैस बन चुका है चिलट का तो अभी चलते हैं बाहर अरे अभी जल्दी से सबसे पहले क्रॉस बो यूज़ करके देखते हैं इसका अटैक काफ़ी तगड़ा है आ, किसको मारे भाई अपने बेस से दूर इसको ओके okay, इसको निपटाते गए ठीक है क्रॉस बो से निपटाते हैं ज़रा हेलो सर ओके ओ भाई दोस्त ओके okay, बस इसको ना लोड होने में थोड़ा सा इशू होता है अरे वट हैपनिंग तेरी भैंस की तेरे को पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है <laughs> अरे भैया मेरे ऊपर जैसे अपने बेस के आसपास कोई अटैक करने की कोशिश भी करता है ना भाई मेरे पालस फेल देते हैं सो गाइस ठीक है क्रॉस बोट काफी प्यारी है बट यार लोड होने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट इट्स ऑल राइट एंड अभी मैं सबसे पहले छिलट को बुलाता हूँ छिलट कहा लेट्स गो के इसका स्पीड कितना है तू करता क्या है फायर मिसाइल ओ ओ ओ वो 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 ये अपने पूछ से फायर करता है क्या ओके okay, गाइज ये काम तो कर रहा है इसका लेवल अभी ट्वेल्व हो गया लास्ट टाइम इलेवन था वट इज हैपनिंग रेड हो रही है ओ गाइज 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 चिलेट को बुलाया गया गाइज ठीक है इस लड़ाई में ना मैं चिलेट को ही बुलाने वाला हूँ ठीक है चिलेट आ चुका है भाई किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे रेड करने की और अभी अपने पास वैसे बो भी है एंड नॉर्मल क्रॉस बो भी है इस बार वो ये कुत्ते आ रहे हैं अरे ये लास्ट टाइम वही आए थे ना ओके okay गाइज और इस बार ना मैं इनके साथ एक बंदा आ रहा है मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा लास्ट टाइम मेरे को इसको पकड़ना था एक सेकंड यार इस, इसके जगह पहले गाइज मैं आ, अपने शाखा को बुलाता हूँ शाकाल गाइज देखो पावरफुल है तो उससे एक सेकंड और इस ऐप नहीं मेरी क्रॉसबो हाँ बो इसको निपटाते यस ओ यस एक एक हिट में मर गया हाँ मेरे को गई इसको पकड़ना था मुझे कैप्चर यस ये कैप्चर हो जाएगा बहुत बढ़िया तो मेरे को गई दूर जाके जाने की जरूरत ही नहीं है इसको भी कैप्चर करते हैं ठीक है थर्टी नाइन परसेंट

लीज़ पंक। ये करता क्या है भाई दिखने में तो बहुत प्यारा है और ट्रांसपोर्टिंग का ये ना गाइस दिखने में एक इंसान की तरह है ओके <laughs> okay, तो भी ट्रांसफरिंग का काम कर रहा है बट भाई इतना की वे दिखने में भाई तू इतना सैड मत रही हो ये ट्रांसपोर्टिंग के साथ और क्या क्या करता है पता नहीं मे भी यहाँ पे ओ हाँ यहाँ पे मैंने नया चेस रखवाया था इसके अंदर ये पत्थर रखवा रहा है ना लेवल फिफ्टीन हो गया तो भाई मैं वो उड़ने वाला जो पोकेमोन पोके माइज मैं उसका साइड कर लेता हूँ ठीक है कहाँ गया वो कहाँ पेगा कहाँ पेगा फिफ्टीन लेवल हाँ भाई नेटविंग का साइडल फाइनली गाइज मैंने अनलॉक कर लिया इसको बनाने के लिए फाइबर चाहिए इंगट चाहिए मेरे पास लगभग लग सारी चीज़ें हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नेटविंग का साइडल प्लीज़ यार बनना चाहिए प्लीज़ 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 प्लीज, नेटविंग 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 का साइडल आ गया मेरे को अरे इंगट नहीं है भाई मेरे पे पंद्रह इंगट पड़े मुझे याद आ रहा है बेबी या ये यूज हो गए अरे यार आई थिंक सारे गाइज इंगट यूज हो गए मेरे पास उन आठ ही पड़े सो so, ये नेटविंग का साडल बनाने के लेना भी यार मेरे को जाना पड़ेगा कहीं से ना मेटल ढूंढ के वेट हमारे अरे इधर इस पड़े है ना मेटल का यही पे मिल जाएगा बस थोड़ा सा वेट करो एक बार इसका ना साडल बनाते हैं और फिर जैसे इसका सैडल बन जाएगा ना हम इसका यूज करेंगे और थोड़ा सा और नई डिस्कवरीज फाइंड करने के लिए जाएंगे ठीक है मेरे को थोड़ा सा ही चाहिए ओके चार तो मिल गया पाँच मिल गया दस और कलेक्ट कर लेते हैं और यार मेरे को ना एक और फर्नेस बनाने का है ओके दस आई थिंक इनफ है तो यहाँ पर मेरे

गुड मॉर्निंग बहुत बढ़िया बहुत शानदार है अभी जल्दी से आते हैं और यहाँ पे साइडल बनाते हैं चलो भाई मेरी मदद करो आके का काडल बनाने में ओके दारी तो आगे मदद करने के लिए और ये लोग क्यार क्या है ओ वेट वो आई थिंक सोने का कुछ कर रहा है ओके आई थिंक कहीं पे स्टोर करवा रहे हैं वो ठीक है और अपनी विकसी ने भी आई थिंक काफी सारा कहीं यहाँ पे सामान पकड़ा है मेरे को वो भी कलेक्ट करने का मैंने अभी सबसे पहले इसको बनाते हैं नेटविंग का सैडल ठीक है और जैसे ही सैडल बनेगा हम लोग डिस्कवरीज करने के लिए जाने वाले ठीक है आज में भी कोई तगड़ा सा पोकेमॉन मिल जाए तो वही मजे आ जाएगा ये गेमर्स हम लोगों ने लगभग सैडल को बना ही लिया नेटविंग के फाइनली भाई एक्वायर करते हैं इसको एंड अभी जल्दी से बोलाता हूँ मैं नेटविंग को लेट्स गो गेमर्स अभी हम लोग उड़ सकते हैं इस गेम में तो ये आ गया अपना नेटविंग नेटविंग मेरे पास में ही है ना अरे नहीं नेटविंग को गाइज मुझे लाना पड़ेगा वो अपने इसके अंदर है बेस के अंदर है तो इसको बुलाते हैं ठीक है आजा नेटविंग एंड इसको भी हम राइड कर सकते हैं लेट्स गो गेमर्स फर्स्ट टाइम इन द गेम अभी हम लोग राइड कर रहे हैं नेटविंग को वैसे ये उड़ता क्या है मतलब कितनी दूर वो बॉय साहब ये देखो मैं कितनी ऊपर आ गया ओ माई गॉड भाई यहाँ से क्या ही प्यारा प्यारे नजारे आ रहे हैं ना वैसे इसका स्टैमिना वगैरह होगा हाँ यार इसका भी स्टैमिना होगा ना वैसे करता क्या है ओके okay, कंट्रोल से नीचे आता है एंड एयर कानन फेंकता है ओके टोरनेडो अटैक भी है कैसे टोर्नेडो भाई ओके नॉट इनफ एक सेकेंड नीचे जाना पड़ेगा आई थिंक टोर्नेडो अटैक नॉट इनफ ओके स्टैमिना नहीं है अरे भाई इसका स्टैम ओके स्टैमिना आएगा तभी टोर्नेडो फेंकेगा फेंक भाई मतलब okay, अभी फेंकेगा देखो टोर्नेडो अपने पैरों से ओ बॉय ये क्या चीज़ था भाई बहुत सही सो गाइज नेटविंग भी भाई बहुत पावरफुल है इसकी मदद मतलब से ना अभी हम लोग उड़ सकते हैं नई नई जगहों पे जा सकते हैं काम करते गाइज इससे ना मैं उतर लेता हूँ और ये एयर कैनन भी फेंकता है अगर मेरे को किसी के ऊपर अटैक करना है ई दबाना है एयर कैनन चला जाएगा सो भी इससे एक बार उतर लेते गाइज तो अभी मेरे पास आ जाए वापस क्योंकि अभी हमको गाइज यहाँ से जाना है थोड़ी सी नई डिस्कवरीज करने के लिए सो ये रहा एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे पास ओके पास पेर इनफ पड़े खाना भी थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ इसको भी खिला लेते हैं ठीक है एंड वी आर आई थिंक रेडी और ये जो लकड़ी मेरे पास पड़ी है इसको मैं स्टोर कर देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कवरीज करने के लिए जाने वाले हैं यहाँ पे लकड़ी स्टोर हो जाएगी ये बेरी स्टोर करते हैं आरोज है मेरे पास एंड ओके ठीक है वी आर रेडी गए अभी यहाँ से निकल लेता हूँ मैं सीधा डिस्कवरीज़ करने के लिए क्योंकि नए जगह पर मेरे को जाने का तो अभी यहाँ से फास्ट ट्रैवल करते हैं मेरे पास इनफ पोकेमॉन्स भी है तो अभी यहाँ से जाए जाएगा आप लास्ट टाइम हमने ये वाला एरिया पूरा अनलॉक करा था और इधर किंग का नाम की नई जगह है मैं भी कोई वहाँ पे नया बॉस है क्या गाइज उधर चलेगा ये वाला एरिया अभी तक मैंने डिस्कवर करा नहीं गाइज यही पे चलते है ठीक है ये वाला टावर पे या इधर चले वैसे यार इधर भी अभी तक मैं गया नहीं बट मुझे लग रहा है guys, ये वाला जहाँ पे हमको चर्च मिला था ना उस लोकेशन पे चलते वहाँ पे डेफिनेटली मेरे को कोई ना कोई तगड़ा वाला ना बॉस या मे भी नया पोकी मिल सकता है तो ये हम लोग आ चुके हैं और अभी यहाँ पे मैं बुलाता हूँ नेटविंग को ही बुलाते ठीक है उड़ के चलते भाई उड़ने का मजा ही अलग है इस गेम के अंदर सो अभी हम लोग वाइज उड़ रहे हैं पंच बनू उड़ता फिर मस्त गगन में ओ ये क्या चीज है स्पार्किट ओ भाई वो इलेक्ट्रिक वाला पोकेमोन गाइज इसको पे के से मरना नहीं बस अरे यार मरना नहीं था मरना नहीं था भाई उतरना पड़ेगा इससे ठीक है नेटविंग सेकेंड इसको ना गाइज मैं इससे मारता हूं ठीक है अरे यार मेरे पास ओके मेटल के एरोस खत्म हो गए यार ये मर जाएगा नहीं यार मरना नहीं था आई इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल गया मेरे को तीन भाई यार यार अटैक ना मतलब मेरे, मेरे

विक्सी आ बस मरना नहीं प्लीज़ ठीक है ओके गाइज ओ नो वट हेल ये विक्सी को काय मार रहा है तेरी भैंस की उसको छोड़ विक्सी को काय मार रहा है ओ भाई विक्सी को कैप्चर के okay, कैप्चर हो जा विक्सी मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा मेरे को एक और वो वो फार्म बनाना है मेरे को प्लीज़ कैप्चर हो जाइए 19 परसेंट अगर तेरे को मैंने मारा ना यार तू मर जाएगी तेरी भैंस की ये भी मार रही है ओके okay, गाइज इसका हो जाएगा ठीक है

सर ये मतलब स्ट्रक्चर वहां पे बहुत तगड़ा है ओके okay, चिलेट को लेके चलते हैं ये क्या है ओके okay, ये yes. अरे ये ठग है यहाँ पे चारों तरफ ये ठगी है इनका काम ही होता है आई थिंक को पकड़ना और मारना तो इसको मार दिया मैंने थोड़े से गोल्ड के कॉइंस मिल गए और मेरे को वो स्पार्क वाला यार वापस से दिख जाए यहाँ पे कौन है ओह ये अलग पुकी है रुक जाइ रुक जाओ नोबड़ो ओके इसको पकड़ते अब ये तो चूहे की तरह लग रहा है बट खतरनाक होगा अरे यार मर ना जाना प्लस मर अरे हो क्या रहा है ये ओके मरना मत प्लीज़ कैप्चर हो जा प्लीज़ भाई भाई कैप्चर हो जा प्लीज़ ओके हो जाएगा गाइज़ डेफिनेटली फोर्टी सेवन फिफ्टी एट सेवेंटी लेट्स गो नया पॉकेमोन मिल गया गाइज़ और ये अरे यार ये सिंथेटिक ठग हर जगह पे है इनके भैंस की रुक जाइए उसको पेल देता हूँ मैं ये उसको मार रहे क्या भाई मैं आ रहा हूँ तूने मारा कैसे उसको ओ भाई वो शौक दे रहा है उनको भाई ये पॉकेमॉन तगड़ा है मेरे को चाहिए वैसे मैंने एक को तो पकड़ ही दिया और अभी इनको निपटा देते हैं हम इनको बचाएंगे यार उसको मत मार तू तो गया बेटे ओके okay, इसको पकड़ते हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट कैप्चर हो जाएगा एक और आ गया तो वही मजे आ जाएगा ठीक है प्लीज़ कैप्चर हो जाए भैया प्लीज यस सेवेंटी यार एक और बार अरे उसको मार उसको नहीं मारना ए, 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 ए पागल चिल्ट उसको मत मारियो फोर्टी फाइव ओके हो जाएगा गैस कैप्चर हो जाएगा ओके गैस, गैस हो गया तो मैंने दो इलेक्ट्रिक शॉक वाले पोकेमॉन्स पकड़ लिए वेट यहाँ पे चेस्ट है इसके अंदर तगड़ा ओके अरे पालसो मिल गया बहुत बढ़िया और एक इलेक्ट्रिक और भी मिल गया तो ये जो एरिया है वो आई थिंक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन्स का है भाई बढ़िया लगा मुझे सीरियसली से इलेक्ट्रिक पोके मोहन यहाँ पे थोड़े से पास पेर है ओके ये आई थिंक नया लोकेशन है बैंडेड शाफ्ट शाफ्ट मिल चुकी है लेट्स गो भाई अंदर जाके देखते हैं कोई तकलीफ चीज होगी यहाँ पेट्स पे। आ... को पास पेयर मिल गया यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये मिल जाएगा जर्नल मिल गया ओके अंदर जाके देखेगा गाइज ओके गाइज आई एम सो स्कीय बस कहीं गुम ना हो जाओ मैं इसके अंदर अरे यार बहुत अंधेरा है गाइज कुछ ज्यादा मशरूम्स oh! भाई मैं वापस तो जा पाऊंगा ना भूल भूल तो नहीं होगी ना ये भाई क्योंकि बहुत अंधेरा है सर इसलिए कुछ दिखा ही नहीं दे रहा ओ oh, वो wow, ये क्या चीज है ब्लैक मार्केटर ओ ब्लैक एक सेकेंड यार यहां पे आग लगाओ यार सबसे पहले आग जलाने का कोई सीन नहीं है इससे ट्रेडिंग कर सकता हूं मे बी हेलो सर टॉक आई ट्रेड एनी काइंड ऑफ पाल वेदर इट्स स्टूल एंड पाल

एक सौ बयालीस डॉलर्स या जो भी है वो देगा और रहेगा इस तो गाइस कुछ कटिवा बेच दे क्या यार नहीं यार मेरे पास गाइस जो एक्स्ट्रा लैमबॉल्स है ना उनको निपटाते ठीक है उनको बेच देते तो मेरे को टोटल 600 मिलेंगे और तीन गोल्ड मिलेंगे ओके बट तो यार सारे यार यूजफुल ही है मेरे को ये हाँ ये चिकपी बेचते ठीक है ये चिकपी का कोई यूज़ नहीं है मेरे पास काफ़ी सारी चिकपी पड़ी है तो मेरे को टोटल तेरह मिलेंगे ठीक है सेल टोटल और ये गोल्ड भी मिलेगा तो सेल कर दूँगा इसमें सेल तेरह जी भाई ये मैंने कैसे फैल्स को सेल कर दी ओ भाई साहब एंड अगर मेरे को किसी को बाय करने का है तो कितने में था वो यार बाय कॉन्ट्रा बैंड ये कितने में मिलेगा मेरे को तेरह हजार जी में मिलेगा मेरे पास कितने जी है मेरे पास गोल्ड सोलह सौ सो गोल्ड है तो गैस तेरह सौ गोल्ड में इसको बाय कर सकता हूँ सो तो अगर मेरे को पैंकिंग चाहिए और ये कौन भाई ये कौन है सो पेंट मैं इसको भी बाय कर सकता हूँ भाई एक सेकंड ना मैं एक बार लोकेशन देख लेता हूँ ये लोकेशन कहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हूँ तो अपना गाइज जो चर्च है ना उसी के पास में लोकेशन है भाई साहब मज़ा आ जाएगा गाइज़ बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया बंदा है तो अगर मेरे को भाई तगड़ा वाला पोकेमान चाहिए ना जिसको मैंने पकड़ा नहीं है ये मेरे को उसको मतलब यू नो मैं इससे खरीद सकता हूँ और इसके पास और कुछ मिलेगा आई थिंक और कुछ ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अंदर है सीरियसली कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ बाहर काफ़ी बढ़िया बंदा था ये तो अगर मेरे को कोई पोकेमोन चाहिए जिसको मेरे को बाय करना है या सेल करने का है तो मैं इसको बोल के ले सकता हूँ वो और बाहर जाने का रास्ता होके मिल गया भाई फाइनली गाइस मज़ा आ गया सीरियसली ये वाला लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मेरे को पेन किंग चाहिए होगा जैसे मेरे पास गाइस अभी तेरह हज़ार डॉलर आएंगे ना मैं डेफिनेटली पेन किंग को बाय करने वाला हूँ एंड ये चिलेट को मैं वापस बुला लेता हूँ एक बार देख लेते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है ये सिंथेटिक ठग हर जगह पर नूबड़े मिल जाते हैं Uh, और अभी कहा भी मैं कहा हूँ मैप में अभी मैं यहाँ पे हूँ इस तरफ जाके देखेगा किंग पाका का एक नया पुकी है भाई साहब इसको उस तरफ जाके देखते हैं यहाँ पे सिंथेटिक ठग है इनको निपटा दो क्या मैं निपटाते ठीक है यार रीलोड करके रखो यार ओके एक में मर जाएगा इसको भी निपटाते अरे दूसरा दो ठीक है ओ तेरी भैंस की ओ इसके पास गन है तू पे गया बेटे ओके इसको मिलते हो थोड़ा सा आर्मर मिल गया इसको निपटा ओ भाई इसका लेवल काफी तो ओ वेट इसके पास पोकेमोन है भाग भाग्य ओ जल्दी भाग्यो ओ माई गॉड भाई तो इन इनके पास भी पोकी होते हैं ओ भाई मुझे पता नहीं था ओ भाई ये तो मेरे लिए नहीं इन्फॉर्मेशन है ओके भाई इसका स्टैमिना एक बार वापस आ जाए यहाँ से मैं निपट लूँगा वो आ रहा है क्या पीछे अरे अभी भी पीछे आ रहा है तू भी गया बेटे ओ ये सारे मेरे पीछे आ रहे हैं ओके मर गया इसके पास ओके गो गोल्ड है बहुत सारा इसको भी निपटाते गाइस तेरी हिम्मत कैसी हुई वे ये वाला ना इसके पास इसके पास आई थिंक तगड़ा वाला पोकेमोन था इसको निपटाते ओके कमोन ये भी गया Oh! वो कुछ फेंक रहा है तेरी भैंस ओके okay, ये भी क्या न्यू बी ट्रेनर ओके गाइज इनको मैंने निपटा दिया गोल्ड कलेक्ट करते हैं oh, ओ इस, इसको निपटाना पड़ेगा ये नया बुक के मौने वैसे गोफिन ओके okay, पकड़ ले गाइज ये नया है प्लीज कैप्चर हो जाइयो अरे यार एक सेकेंड इसको सबसे पहले मारना ही पड़ेगा आई थिंक ये इतनी जल्दी आसानी से कैप्चर तो नहीं होने वाला गोफिन जल्दी जल्दी ओके कैप्चर कैप्चर

तो वो बहुत बढ़िया है यहाँ पर मेरे को थोड़े से गोल्ड के कॉइंस मिल गए और इधर भी एक गुफ़ा है यार हर जगह भी ये गुफ़ा होती है एंड ये तो अपने फुआ के यार इसके पास कुछ नहीं मिलेगा ठीक है ये गुफ़ा के अंदर जाके यार नहीं देखना मेरे को ना थोड़ा सा और डिस्कवरी अरे एक सेकंड यहाँ पे एक अरे चेस्ट पड़ा था इसको ओके इसको सबसे पहले देखते इसके अंदर क्या है तगड़ी चीज़ तो मिलेगी मिलेगी अपना सबसे पहले पाल्स पेर उठाते और ये रात चेस्ट ओके मेरे को सप्लाइज मिल गए थोड़े से मेडिकेट के अभी ऊपर चलते यहाँ पे और ये एक और चेस्ट है भाई साहब आज बहुत सारी चीज़ें मिल रही है कलेक्टेड मेगा स्पेयर मिल गया तीन ब्रेड मिल गए ब्रेड से भाई याद आ गया खाना खा लेता तो हूं मैं भूख लगी है थोड़ा सा इसको भी खिलाते ही ईडो को ये वाला भी पैल है इसको पकड़े क्या गाइज लेवल ओ भाई लेवल ग्यारह है भाई का तगड़ा पावरफुल होगा भैया करता क्या है बकरी की तरह दिखता है दिखने में ओके आ जा एक और बार अरे 4 ओ, अरे फोर ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ, ओ शिट अरे यार मैं पानी में गिर गया डबल जंप करनी थी मेरे को ऐसे अरे यार वो तो ऊपर ही रहेगा आई थिंक वो अभी भी आएगा ओके वो अभी भी मेरे पीछे ठीक है यहाँ से निकल ले यार निकल ले बाहर पानी के अंदर फंस गया मैं और मैं डूब रहा हूँ छच जल्दी 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 ओके दूसरी तरफ आ गया भाई यहाँ पे थोड़ी से बेरीज़े कलेक्ट कर लेते हैं ये तो दो दोनों आ रहे थे पीछे अरे वो अभी भी वही पे है मुझे आई थिंक उठ के जाना पड़ेगा उसके पास यहाँ पे मैं ना नेट विंग को बोला था वो नेट विंग ओके यहाँ आ गया नेट विंग वो बकरिया कहाँ पे गई भाई मैंने यहीं पे तो देखी थी वे इज द बकरी लेवल सोलह का डिनोसॉम गाइज मिल रहा है मेरे को आ, इसको पकड़ेगा गाइज और अगर मैं ऊपर से इसके ऊपर अटैक करूंगा तो मे भी ये पकड़ में आ जाएगा बट यार इसके पास यार यही तो प्रॉब्लम है ये हमेशा ना जल्दी इसका पावर चला जाता है और ये इलेक्ट्रिक पोकीमोन्स भी है यहाँ पे गाइज इनको पकड़े क्या पकड़ते ठीक है बेच उनको पकड़ ले हो मर गए क्या मर गए नहीं ओके पकड़ में आ जाएगा एक ठीक है एक को तो हम पकड़ लेंगे दूसरा भी पकड़ लेंगे प्लीज दोनों कैप्चर नहीं हो गए यार ओ इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है तेरे भैंस की ये पकड़ गया ये ये भी ओके भाई दो तीन पकड़ लिए आई थिंक मैंने ये दूसरा भी पकड़ में आ जाएगा ओके नहीं ये पकड़ में नहीं आया थोड़ा सा शट इसको थोड़ा सा अटैक करते हैं ओके ट्वेंटी फाइव परसेंट अभी पकड़ में आ जाएगा ठीक है इसको भी पकड़ लिया बट वो बकरी कहाँ गई भाई मैं बकरी के लिए ऊपर आया था वापस से ओके गाइज इसको भी पकड़ लिया सो so, गाइज मुझे लग रहा है ना मुझे अभी यहाँ से ना निकल लेना चाहिए मौन जल्दी जल्दी ऊपर चलो वो बोर मेरे पीछे पड़ा है गदा कहीं का और फास्ट ट्रैवल करने का तो भाई इधर ही है सो गाइज आई थिंक मुझे लग रहा है ना इतना डिस्कवरी आई थिंक इनफ है आज हमने काफ़ी सारी डिस्कवरीज़ करी नए नए पॉकेमोस को पकड़ा बट ये मेरे को ना वो इलेक्ट्रिक वाला सीरियसली बहुत बढ़िया लगा है भाई वो बहुत तगड़े तरीके से काम करेगा और फास्ट ट्रैवल करने का भी खास है फास्ट ट्रैवल और इधर ही है ओके एंड ये सिंथेटिक ठक और क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार आई थिंक इसने न फिर 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 एक बार आई थिंक इसने किसी को पकड़ रखा है अटैक करे क्या गाइज़ आ, यार नहीं मैं खामा का पंगे नहीं लेने वाला ठीक है गाइज यहाँ से अभी निकल लेते हैं ये आ गया फास्ट ट्रैवल मेरे को नाना जी छोड़ दो नीचे ओके इसको बुला लेते हैं बाहर एंड गाइज लेट्स गो अभी यहाँ से निकल लेते हैं अपने बेस पे तो अब भाई आज हमने काफ़ी सारा नया एरिया अनलॉक करा और ये वाला जो बॉस है ना किंग पाका हम इसके पास भी कभी जाएंगे भाई इसको हराने के लिए बट भाई ये वो लेवल ट्वेंटी थ्री का है अभी यहाँ पे जो बच्चे हुए बॉसेस है ना मेरे को सबसे पहले उनको निपटाना पड़ेगा बट ठीक है अभी मैं अपने बेस पर वापस निकल लेता हूँ सो लेट्स गो ये सक्सेसफुल ट्रिप रही हमने काफ़ी सारे नए पोकेमॉन्स को पकड़ा है जिनमें से मेरे को सबसे प्यारा ये वाला लगा एक सेकेंड उसको यार बेस पे ही बुला लेता हूँ मैं ठीक है एक बार ना देखते तो है वो इलेक्ट्रिक वाला करता क्या है हाँ ये वाला इसको मैं बुला लेता हूँ चिलट की जगह पर आ जाए मेरे इलेक्ट्रिक भैया लेट्स गो इसका स्पार्किट नाम है ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है वैसे इसके पावर स्पेशल पावर्स नहीं है इसका सैडल वगैरह मेरे को ना ढूंढना पड़ेगा मे बी मेरे को मिल जाएगा इसका सैडल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है बेचता है आई थिंक मेरे ऊपर किसी ने अटैक करा तभी काम करेगा ये मे बी बट यार सीरियसली दिखने में बहुत क्यूट है कुकिंग पॉट मिलने वाला मेरे को लेवल 17 पे है। यार मुझे ना कहीं अभी जल्दी से जल्दी ना लेवल अप करना पड़ेगा और नए स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे ओके स्टोन स्ट्रक्चर मिल जाएगा फिर उसके साथ-साथ लार्ज टूल बॉक्स ब्रीडिंग फार्म ओ भाई मैं मेल एंड फीमेल पाल्स को मेट करके उनसे एग्स लेके बच्चे बना सकता हूँ। गाइस गाइस और ये डायनोसॉर्स का ओ oh भाई ये चीज बहुत बहुत सी हो जाएगी गाइस अगर मेरे को डिनोसम का सैडल मिल गया तो भाई लेवल नाइनटीन पे है वो ये स्पेयर है भाई कितनी सारी चीजें हैं और जो मेरे को वो स्टैटिक वाला पोकेमोन मिला है उसका सैडल वगैरह नहीं है आई थिंक उसका सैडल नहीं होता भाई पता नहीं बट गाइज सीरियसली इस गेम के अंदर बहुत सारी और भी अभी चीजें करना बाकी है सो so गाइज हम ना नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें कलेक्ट कर सके और यहाँ पे मेरे को फायर का क्रॉस बो भी है ये भी बनाने का है मैं गाइज अपना ना थोड़ा सा अपने पास पकड़ने का जो पावर है इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वो चार लिफ मुंक वाली जो पावर है वो आ चुकी है तो इसको एनहांस करते हैं अभी अपना लेवल थ्री हो जाएगा नहीं लेवल टू हो गया और अभी नेक्स्ट लेवल के लिए मेरे को साथ चाहिए तो इसकी मदद मतलब से ना क्या होता है कि मैं पाल्स को ना इजीली जल्दी पकड़ सकता हूँ मैं मतलब कैप्चरिंग पावर अपना बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ मैं अभी अपने पाल्स का भी पावर बढ़ाने की सोच रहा हूँ मेरे पास सोल्स ओके okay, दो सोल्स है गाइज मेरी तो गाइज शाकल की अटैक बढ़ाएगा गाइज अटैक बढ़ाते ठीक है तीन अटैक बढ़ जाएगा इसका ओके लेट्स गो अटैक बढ़ गया एंड और क्या बढ़ाए गाइज और क्या क्या बढ़ाया मेरे को समझ नहीं आ रहा मैक्सिमम उसकी हेल्थ बढ़ा दे गाइज हाँ गाइज़ हेल्थ बढ़ाते ठीक है हेल्थ बढ़ जा और रे अभी मेरे को ज़्यादा ओके okay, दो पॉइंट रिक्वायर्ड है तो डिफेंस बढ़ाया है या वर्स फीड या उसके जगह पे नाना जी का कुछ बड़ा है आ इसके जगह पे ना मे भी मेरे को ओके okay, ईलू ईलू भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए नहीं यार इसका एक काम करते हैं क्या वर्किंग्स पे भी बढ़ाते ठीक है थीके? इसी के ऊपर अभी हम खर्च करेंगे सब कुछ ठीक है तो अभी मैंने इसकी पावर बढ़ा दी है अटैक बढ़ा दिया आने मेरे को और इसकी मैक्सिमम हेल्थ करनी है तो मेरे को थोड़े से और चाहिए होंगे पाल सोल्स दो चाहिए होंगे तब जाके और मैक्सिमम हेल्थ बढ़ जाएगी तो अभी गाइज अपना शाका जो है धीरे धीरे काफी पावरफुल हो रहा है ठीक है तो इसका मैंने पावर बढ़ा लिया सो so, गाइज मुझे लग रहा है आज के एपिसोड के इतना इनफ है आज हमने काफ़ी सारे नए नए पोकेमोस पकड़े एंड जो बच हुए पावर हम नेक्स्ट एपिसोड में चेकआउट करेंगे सो दट इज एपिसोड अगर आपके कुछ सजेशन है नीचे कॉमेंट से बता दो आप मुझे भी बता सकते हो एंड थैंक्स फॉर इन द नेक्स्ट एपिसोड